खरगोन जिले के कलेक्टर कार्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड 3 पर पदस्थ रामचंद्र शिंदे ने कलेक्टर कार्यालय जाकर जिला अस्पताल प्रबंधन की शिकायत दर्ज करवाई है। बता दें कि शिकायतकर्ता के दामाद की तबीयत बिगड़ी, जिसे जिला अस्पताल भर्ती करवाया गया, जहां इलाज में लापरवाही बरती जा रही है। लिहाजा परेशान होकर रामचंद्र शिंदे कलेक्टर कार्यालय पहुँचे और गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि अस्पताल और निजी मेडिकल मिलकर रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे हैं और 10,000 में इंजेक्शन देकर मरीज के परिजनों से लूट की जा रही है। इस दौरान उन्होंने शिकायती पत्र के माध्यम से गुहार लगाई कि अगर दामाद को कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार जिला अस्पताल प्रबंधन रहेगा। भारतीय न्यूज के लिए रजाक खान की रिपोर्ट। बड़ोले साहब ने इलाज करा, फिर दवाइयां हमने दी, फिर मतलब क्या लगता है हॉस्पिटल में, मतलब इंजेक्शन की कालाबाजारी चल रही है? हाँ, कालाबाजारी ये चल रही है कि वो सिविल सर्जन बोलता है कि सहज स्टोर से खरीद लाओ, सोना माँ से सहज, ठीक है। कहाँ पर है ये? DRP लाइन के सामने सहज है ना वो? अच्छा, सोना माँ सहज मेडिकल स्टोर से है, दुकान वाले ने सहज स्टोर से है, सोनामा बोल दिया। हाँ, बोल दिया। पूछो और क्या पूछना चाह रहे हैं? वाह, बोलते जाओ, कब से भारती है? नहीं, मैं नहीं आता आपके पास। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।